कि 1950 में भी 31 जनवरी को ही अभिभाषण हुआ था। 31 जनवरी 1950 जब हमारे तब के महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से आते थे, देश के सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने अभिभाषण दिया था, तो 72 वर्ष बाद। ये एक संयोग है, लेकिन 72 वर्ष के अभिभाषणों के दायरे में अगर सर सोचे तो कई चिंता की लकीरें हैं, और चिंता की उन लकीरों को हमने अभिभाषण के पक्ष में, अभिभाषण के दौरान नहीं देखा। इसलिए मैं शुरुआत करूंगा कि बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता। हमने तो सोचा था बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता। खैर, बहरहाल सर, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे पता है कि इस संदर्भ की गरिमा क्या है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक बहुत बड़ी चीज होती है, देश का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक दिशा और दशा देने की कोशिश होती है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन देश की दशा और दिशा से चिंतित अगर हम हैं, तो अभिभाषण की पंक्तियों में भी वो चिंता की लकीरें दिखनी चाहिए। जब वो चिंता की लकीरें नहीं दिखती हैं, तो एहसास होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि महामहिम सोते जागते अपने सलाहकारों से बात करते, टेलीविजन देखते, सोशल मीडिया देखते, संवाद करते, क्या उनको नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं है? छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नम नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ थे, आपने लाठियां बरसाई। तो मैं ये सोचता हूं कि महामहिम के अभिभाषण में अगर इस तरह की चिंता ना हो, तो सर भाषण ना कागज का पुलिंदा लगता है, और अच्छा नहीं लगता है उसे कागज का पुलिंदा कहना। दूसरी चीज माननीय सभापति महोदय, कोरोना पर मैंने विस्तार से इस सदन में चर्चा की। कोरोना को लेकर के भी जो चिंता आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब आइए अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने कहूं, बजट को उसके लिए मैंने तय किया हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि सन 50 से लेकर अब तक किसी की भी सरकार, मैं जानता हूं ये लिखा कहां जाता है, लेकिन जहां लिखा जाता है, मैं आग्रह करूंगा कि अगर हम सोच सके सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को दलीय दायरों से ऊपर कर। राष्ट्रपति का अभिभाषण कल को आपकी सरकार ना हो, ये मैं अपील बाकी लोगों से भी करूंगा जो सरकार में आएंगे, कल को, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, कभी तो आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सर अभिभाषण को एक नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट बनाइए, नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति है, उनके सरोकार में देश का सरोकार दिखना चाहिए। माननीय